हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं। चैप्टर 4 का इंट्रो पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 4 का इंट्रो का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे विस्तार करना। कल हम लोगों ने जहाँ से क्लास छोड़ी थी वहीं से क्लास स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि नया बैच क्लास 12 के लिए शुरू हो चुका है, जिसमें शाम को 7 बजे प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड हो रही हैं। तो क्लास को अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं मेरे इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। 72 75 27 77 95, इस नंबर पर अपना नाम क्लास लिखकर आप मैसेज कर दें, जिससे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर R1 से विस्तार किया था। आज हम लोग विस्तार करेंगे C1 से या C2 से करके दिखाते हैं। किसी से भी आप विस्तार कर सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये R1 से विस्तार करके हमने आपको सिखाया था। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं C2 से विस्तार, जिसको हम लोग प्रसार भी कहते हैं। तो C2 से कैसे करेंगे? C2 आप देख लें पहले, ये हमारी C2 है, इससे हम विस्तार करेंगे। तो सबसे पहला तत्व क्या है? A12। तो हम लिखेंगे माइनस का A12, इस तत्व को उठाएंगे, इससे जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छिपा लेंगे। तो A12 स्तंभ तो वही रहेगा, पंक्ति ये रही, छिपा लिया। अब हम क्या लिखेंगे? A21 इंटू A33 माइनस A31 A23। क्लियर? अब देखिए, क्योंकि C2 से विस्तार कर रहे हैं तो अब इसका नंबर आया, इससे जाने वाली पंक्ति को और इससे जाने वाले स्तंभ को हम क्या कर लेंगे? छिपा लेंगे। तो उठाएंगे A22। A22 उठाया तो वो प्लस का होता है, तो A11 इंटू मुख्य विकर्ण के तत्वों को उठा रहे हैं, A33 माइनस A31 इंटू A13। अब देखिए, अब हम इसको उठाएंगे तो इससे जाने वाली पंक्ति को छिपा लेंगे और स्तंभ को छिपा लेंगे। तो माइनस का A32, तो पंक्ति और स्तंभ को छिपा लेंगे तो कितना हो जाएगा? A11 A23 माइनस A21 A13 और इसका विस्तार हो जाएगा।
देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि आप इनका सिंबल जरूर तैयार रखें कि A12 का माइनस कहाँ से आया, A22 का प्लस कैसे आया और A32 का माइनस कैसे आया। और अगर ये आप अभी नहीं सीख पाए हैं तो पिछला वीडियो जो हमने अभी पहला बता इंट्रो आपको पढ़ाया है उस वीडियो को जरूर देख लें। इस वीडियो को देखने से पहले पहला वीडियो जरूर देख लें। देखिए ये बात जान लीजिए, कोई भी वीडियो पिछले वीडियो से लिंक रखता है, इसलिए बहुत ध्यान से ज़रूर देख लें। क्लियर है? चलिए तो ये हो गया हमारा थ्री कोटि के सारणिक का विस्तार, टू कोटि के, दो कोटि के सारणिक का विस्तार और एक कोटि के सारणिक का विस्तार, ये हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सारणिकों के गुणधर्म। ठीक है, तो चलिए सारणिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, पहले आपकी हेडिंग रहेगी सारणिकों के गुणधर्म। तो सबसे पहले कैसी कैसी सारणिक होंगे, उसमें क्या क्या परिवर्तन करने पर हमको कैसा क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, यही हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सारणिक के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी सारणिक की पंक्तियों का किसी सारणिक की पंक्तियों का स्तंभों में पंक्तियों में परस्पर विनिमय विनिमय का मतलब होता है आपस में इंटरचेंज, विनिमय करने से सारणिक का मान नहीं बदलता। जैसे अब जैसे समझिएगा, एक सारणिक है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। और इस सारणिक को हम कैसे ले सकते हैं,
इस पूरी पंक्ति को उठाकर हम कहाँ व्यवस्थित कर सकते हैं, स्तंभ में। कैसे? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो हमने क्या किया है, पंक्तियों को उठाकर स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया। ये देखिए इस प्रकार, क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा और ये इन गुणधर्मों का प्रयोग हम लोग आगे किसी भी प्रश्न में कर सकते हैं। चलेंगे दूसरे गुणधर्म पर। गुणधर्म सेकंड में क्या है, किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियों को किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियों को कोई दो पंक्तियों को परस्पर बदलने पर परस्पर बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता। सारणिक का मान नहीं बदलता। लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। और केवल पंक्तियों में ही ये काम नहीं हो सकता है, स्तंभों में भी ये काम हो सकता है। क्लियर है? तो पंक्तियों, जैसे यहाँ पर पंक्तियाँ लिखा हुआ है, तो पंक्तियों की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, स्तंभ भी लिख सकते हैं। सरणिक की कोई दो पंक्तियों को परस्पर बदलने पर सरणिक का मान नहीं बदलता लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। यही बात आप किस में लिख सकते हैं, किसी सारणिक की कोई दो स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। क्लियर है? जैसे आपको बताते हैं, एक हमारे पास सारणिक है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? R1 चेंज, क्या इंटरचेंज कर रहे हैं R1 और R3 को। किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो R3 में क्या लिखा हुआ है, C1 C2 C3 लिखा हुआ है, इसको उठा के ऊपर लिख सकते हैं C1 C2 C3, और यहाँ पर हो जाएगा A1 A2 A3। ये हमने सारणिक को उठाकर R1 को सबसे नीचे लिख दिया, क्योंकि B1 B2 B3 को टच नहीं किया, तो इसको ऐसे लिख देंगे B1 B2 B3।
और इंटर चेंज करने पर सारणी के मान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। सारणी जो प्लस में थी वो काय में हो जाएगी माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लग सकता है। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पंक्ति में बदलाव किया है, आप स्तंभों में भी बदलाव कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर गुणधर्म तीन पर। क्या कह रहा है गुणधर्म तीन में, समझ लेते हैं। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां समान हो या कोई दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे हम लिख रहे हैं ये सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और फिर से लिख देते हैं A1 A2 A3, तो इस सारणी का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि R1 R3 के बिल्कुल समान है। और केवल पंक्ति में नहीं स्तंभ में भी हो सकता है। जैसे उसका भी एग्जांपल ले लीजिए, A1 A2 A1 B1 B2 B1 C1 C2 C1 तो इस सारणी का मान भी शून्य होगा, क्योंकि C1 बराबर है C2 के। क्लियर? तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। चलिए बढ़ जाएंगे गुणधर्म चार पर। गुणधर्म चार में क्या कह रहा है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों
के सभी अवयवों को किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा किया जाए गुणा किया जाए तो सारणिक का मान तो सारणिक का मान भी उस संख्या के गुने के बराबर होती है के गुने के बराबर होता है। अब देखिए भाषा में आपको उतना अच्छा समझ नहीं आएगा, जब आपको एग्जांपल देंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई सारणिक है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अगर यहाँ पर हम C1 में K से गुणा कर दें, C1 में किससे गुणा कर दें, तो सारणिक के मान पर K गुने का प्रभाव पड़ जाता है। तो K आगे लिख दिया, सारणिक क्या हो जाएगी, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। और चाहे इस संख्या में आप स्तंभ में गुणा करें या पंक्ति में गुणा करें, दोनों चीज़ें एक ही जैसी होती हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी गुणधर्म आपको सिखाया गया है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।